नमस्ते, मैं डॉक्टर आतिक बनर्जी। आज जो हम लोग बात करेंगे वो है घुटने का दर्द जो होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या एकदम नी रिप्लेसमेंट और टोटल नी रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड है? ओके, तो रिक्वायर्ड है कि नहीं वो कैसे डिसाइड करें, क्योंकि अभी एक ट्रेंड चलता आ रहा है। जब कोई भी डॉक्टर के पास जाओ, कोई भी इसके पास जाओ, तो जो भी ग्रेड है तो आप लोग एक्सरे में चले जाते हो या एमआरआई में चले जाते हो। जो एमआरआई में ग्रेड 4 है, ग्रेड 3 है, तो ऑपरेट कर लो, ठीक है, बात ऐसा है। बट अभी क्या होता है, इंटरनेशनल कॉन्जर्वेटिव मैनेजमेंट आ गया जिसके थ्रू आप फंक्शनली ठीक रह सकते हो, ठीक है। जो आप लोग जैसे चलना, फिरना, स्टेयर्स क्लाइंबिंग करना, ठीक है, नॉर्मल जो डेली का एक्टिविटीज़ है, जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ या जो भी आप दूर में घूमने के लिए जाते हो, ट्रैवलिंग में जाते हो, तो ये विदाउट एनी पेन और विदाउट एनी आपका हेजिटेशन, कोई रुकावट के बिना क्या कर सकते हो, आप मूवमेंट कर सकते हो। तो इसके लिए हम लोग आज देखेंगे जो कौन सा कंडीशन में आप नी में नी को रिप्लेसमेंट करना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मेरा 24 इयर्स का एक्सपीरियंस है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में, तो जहाँ पे क्या होता है, हम लोग जो देखते हैं फंक्शनली कितना है, क्योंकि जब तक आपका नी डिफॉर्म नहीं हो जाता, ठीक है, जो नी का मूवमेंट एकदम बंद हो गया, जैसे हम लोग देखते हैं जो कोई भी अगर नॉट लोहे का जो नॉट हम लोग जो देते हैं, तो वो अगर एकदम जब रास्ट पड़ जाता है ना दोनों नॉट के बीच में और मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो फिर हम लोग थोड़ा सा ऑयल वगैरह देते हैं, फिर वो पूरा चेंज ही करना पड़ता है। बट कुछ कुछ जगह में ऐसा होता है जो थोड़ा सा ऑयल दिया या मोबिल दिया तो कुछ दिन के बाद फिर ये लुब्रिकेंट हुआ, ये नॉट खोल सकते हैं। ओके, तो ये भी वैसा ही है जो हम लोग देखेंगे। तो वो कंडीशन में हम लोग रिकमेंड करते हैं फॉर नी रिप्लेसमेंट और टोटल नी रिप्लेसमेंट, और कभी कभी सीमेंटिंग के लिए रिकमेंड करते हैं, ठीक है। तो उसी के हिसाब से अभी हम लोग चेक करेंगे। पहला बात है, एक मेरे पास पेशेंट आया फ्रॉम मुर्शिदाबाद, ये फ्रॉम वेस्ट बंगाल से। तो कितना दिन से आपका ये प्रॉब्लम हो रहा है, कत दिन धरे असुविधा हो? तो ये 15 इयर्स से घुटने का दर्द से परेशान है। तो बहुत जगह डॉक्टर्स सब लोग ऑलरेडी दिखा चुके हैं, ओके, तो डॉक्टर्स ऑलरेडी बोल दिया जो घुटने का आपका सर्जरी का रिक्वायरमेंट है, बहुत फिजियोथेरेपी कर चुके हैं, तो फिर उतना राहत नहीं मिला। क्या होता है, टेम्पोररली आपका रिलीफ मिलता है, 15 दिन 17 दिन करने से थोड़ा सा पेन कम होता है, बट वो फिर वापस आ जाता है। तो ऐसा सिलसिला लास्ट 10 से 15 साल आपका इनका चल ही रहे, ठीक है। तो अभी जो हम लोग देखेंगे, एक बार एक्सरे को देख लेते हैं, ये एक्सरे कैसा है। तो थोड़ा सा अगर एक्सरे की तरफ आप दिखाएंगे, तो नॉर्मली हम लोग एक्सरे दिखा रहे हैं, ठीक है। तो एक्सरे में दिखा जब दिखाते हैं, तो अब ये जो आप देख रहे हैं, जो आपका ये जो आपका लेफ्ट नीज़ है, तो लेफ्ट नीज़ में ऑलरेडी ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन हुआ है। ये जो एलिफेंट का जैसे हम लोग सूंड देखते हैं, ठीक है, तो वैसा टाइप का यहाँ ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन हो गया आसपास में। एंड ये जो इनका जो साइड्स जो है, जो आपका कॉन्डाइल जो है, जो ये फीमर बोन है, एंड ये टीविया का भी प्रॉपर पोजिशन में नहीं है, ये स्क्लेरोसिस हो गया, तो ये इसका शेप ऑलरेडी चेंज हो गया। और इन बिटवीन जो कार्टिलेज जो था वो भी बहुत कम हो गया, ठीक है। तो ये बोन के साथ बोन ऑलरेडी क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहा था। ये ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस है इनका, एंड फिबुलर का पोजीशन भी प्रॉपर नहीं है, एंड ये जो पोजीशन हम लोगों को ठीक करना है, ठीक है। इनका बोन का डेंसिटी भी बहुत कम है, विटामिन डी डेफिशिएंसी है, एंड मसल्स का अगर थिकनेस देख रहे हो, मसल्स का थिकनेस भी बहुत कम है। मसल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल लेते हैं इसमें, जो मसल्स अगर वीक रहेगा और ये स्ट्रेंथन नहीं रहेगा, पावर नहीं रहेगा, तो ये पूरा प्रेशर आपका घुटने का अंदर आ जाता है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एंड राइट लेग भी हम लोग अगर देखेंगे, जो ये जो पार्ट है, ये स्पेस कम हो गया। एंड अलाइनमेंट अगर देखे, ये अलाइनमेंट आपका चेंज हो गया, ये आगे की तरफ आ गया, ठीक है। ये जो अलाइनमेंट है, ये देख लो ज़्यादा हो गया, और ये आपका थोड़ा सा रोटेटेड है, हाँ, यहाँ पे जो फ्यूमर बोन है थोड़ा सा रोटेटेड है, फ्यूबुलर का पोजीशन भी ठीक नहीं है, एंड ये जो पार्ट है इसमें भी चेंजेस है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग देखेंगे। और ये जो पैटेला है, ये पैटेला का पोजीशन भी जो हो गया, ये घिस गया पूरा, एंड पूरा ये फ्रिक्शन हो रहा है, और यहाँ पे पैटेला के आसपास में भी देख रहे हैं। और ये छोटा छोटा जो पार्ट है, इसको हम लोग मेडिकल टर्म्स बोलते हैं लूज बॉडी। जो लूज बॉडी के हिसाब से क्या होता है, ये जब चलते हैं जो ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन होता है, जैसे हमें बोलते हैं टीथ में आपका स्टोन हुआ है, तो कुछ दिन बाद देखेंगे स्टोन निकल गया, ठीक है। तो आप वो क्या करते हैं, जो नी का अराउंड में घूमते रहते हैं, एंड कभी कभी एक जगह होने के बाद फिर वो आपका जब बेड से उठने के बाद चलने के लिए कोशिश करते हैं, तो वो टाइम में क्या होता है, आपका पैर स्टिक हो जाता है, फिर मूवमेंट नहीं होता, या बहुत पेनफुल, जैसे कोई
अभी रेस्टिंग फेज में रेस्ट सब ले रहे हो, थोड़ा सा उठ के डायरेक्ट हम नहीं चल सकते, तो वो कंडीशन में हम लोग देखते हैं जो ये कंडीशन को हम लोगों को ट्रीट करना है, जो ये इनके एज के हिसाब से ये नॉर्मल है। तो कभी कभी ये होता है जो आपका एक्सरे और एमआरआई में चेंजेस है का मतलब पूरा लाइफ खत्म हो गया ऐसा नहीं, तो एक्सरे और एमआरआई में कुछ चीज़ नॉर्मल होता है, उनके एज के हिसाब से ये नॉर्मल है, ठीक है। तो अभी क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस अभी ग्रेड 1 टू आपका हम लोग 5 तक हम लोग देख सकते हैं, जो ग्रेड 4 के बाद भी बहुत एडवांस स्टेज में ग्रेड 5 तक ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। जितना आपका ये आपका ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन होगा तो उसी के हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं जो ऑस्टियोआर्थराइटिस ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, ग्रेड 4 है और एकदम एडवांस स्टेज, ठीक है। एंड बहुत डॉक्टर्स भी आपको बोलते रहते हैं जो आपका हम लोग जेनो विरम बोलते हैं, जो पैर का जो पोजिशन है, जो पैर ऐसे टेढ़ा हो गया, दोनों बोन लगने के बाद टेढ़ा हो गया, तो वो अलाइनमेंट को ठीक करना पड़ता है। तो हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड काम करते हैं जहाँ पे एविडेंस बेस हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, जो ट्रीटमेंट के थ्रू फेशिया हम लोग जब काम करते हैं, एक तो आपका टो से हेड तक हम लोग काम करते हैं, पूरा अलाइनमेंट करते हैं, देन उसके बाद में क्या होता है आपका पूरा जो ये जो जेनुवेरम है ये भी ठीक हो जाता है और 100% ठीक होता है, ठीक है ना। अब हम लोग बहुत रिसर्च किए, बहुत पेशेंट हम लोग थीसिस है एंड सो मेनी पेशेंट एथेंस में आने के बाद ऑलरेडी रिकवर्ड है एंड नॉर्मल लाइफ स्टाइल लीड कर रहे हैं। तो मेरा जो काम है, अभी आपका एज कितना हो गया, 72 एज, तो 72 एज में आप अगर ऑपरेट करने के लिए जाएंगे तो इसका जो एज है नियर अबाउट आपका 8-10 ईयर्स है, कोई भी नी रिप्लेसमेंट कर दो फिर उसमें मेंटेनेंस भी है। तो बहुत पेशेंट अच्छा भी है, बहुत पेशेंट उस सर्जरी के बाद मेंटेनेंस नहीं किया या प्रॉपर क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट से ट्रीटमेंट नहीं किया, जिसके कारण वो और भी खराब कंडीशन में चला गया, ठीक है। तो कोई भी चीज़ करना है आपको क्वालिफाइड एंड स्किल्ड लोगों के पास जाना है जो ये काम करते हैं, खास करके नी का स्पेशलिस्ट होना चाहिए, तभी आप एक जगह में आ सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लोग जो देखेंगे वो है इनका भी पोजिशन देखेंगे कैसा है, ओके। अभी हम लोग जो देखेंगे सबसे पहले इनका नी का मूवमेंट देखेंगे, रेंज ऑफ मोशन देखेंगे, जो रेंज ऑफ मोशन कैसा है। तो एक तो हम लोग देखेंगे राइट नी का जो पोजिशन है, तो राइट नी आप सीधा करो और सीधा करो, तो ये जो एक्सटेंशन है ये एक्सटेंशन कर सकते हैं, ये जो आपका जो पोजीशन है पैटिला का पोजीशन प्रॉपर नहीं है, मीडियली चला गया, अगर सीधा देखेंगे ये ऑलरेडी मीडियली चला गया, ठीक है। तो जिसके कारण अलाइनमेंट का एक प्रॉब्लम आपका ऑलरेडी आ रहा है, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग देख रहे हैं ये ठीक है, एंड इसके बाद जो देखेंगे फिर पीछे कितना देर जा रहा है, ठीक है। अभी नी को बेंड करो, थोड़ा सा आ गया हो। अभी नी को बेंड देखेंगे जो खुद से कितना बेंड कर सकते हैं, बेंड करो, फोल्ड करो इसको, टफ फोल्ड करे रहो, कतरा नहीं तो भरो, ओके। तो देख रहे हैं आप, थोड़ा से पीछे से दिखाओ, तो ये हम लोग देख रहे हैं जो घुटना ऑलरेडी बेंड हो रहे हैं, ठीक है, इतना ही बेंड हो रहा है। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन कितना है, तो वो भी हम लोगों को देखते हैं। तो हम लोग चेक करते हैं थ्रू हम लोग जो स्टेथो है उससे टेस्ट कर सकते हैं जो कितना अंदर में क्रिप्टिंग साउंड हो रहा है, ठीक है। तो उठाइए पूरा, फिर नीचे कीजिए, गुड, फर्स्ट क्लास, फिर उठाइए, ओके, छोड़ दीजिए, गुड, ये साइड में सीधा कीजिए, फोल्ड, फर्स्ट क्लास, ठीक है। और ये हम लोग देखते हैं हीट, अगर देखते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट जनरेशन भी होता है। तो हम लोग ये पैर में चेक कर लिए ऑलरेडी, एंड अगर ये पैर का जो मसल्स का थिकनेस अगर देखेंगे तो मसल्स का थिकनेस भी बहुत ही कम है, क्वाड्रिसेप्स जो मसल्स देखते हैं बेसिकली कि हम लोग जो देखते हैं वेस्टस मीडियल इज ऑब्लिक, ये जो मसल्स जो आपका नी का स्टेबिलिटी रखता है, तो ये मसल्स एकदम आपका हम लोग जो बोलते हैं एकदम कम हो गया एंड बहुत मसल वेस्टेज हो गया। तो जितना ना आपका घुटने का प्रॉब्लम है उससे ज़्यादा ये मसल्स का प्रॉब्लम आप देखते हो। तो ये नॉर्मली आपका 14 इंच है ओनली, जो नॉर्मली आपको इनके हिसाब से 22 इंच होना चाहिए। तो मसल्स नॉट हेल्दी, ठीक है, एंड यहाँ पे मसल्स वेस्टेज हो गया जिसके कारण ये चलने में फिरने में प्रॉब्लम हो रहा है, अदरवाइज मूवमेंट इज़ ओके, रेंज ऑफ मोशन इज़ बहुत ही अच्छा है। तो हम लोग राइट लेग को देख लिए, फिर उसी के हिसाब से हम लोग लेफ्ट को भी देखेंगे। हाँ, तो हम लोग लेफ्ट को भी देख रहे हैं, तो एक तो लेफ्ट को भी हम लोग देखेंगे जो पूरा उठाने के लिए। हाँ, आप देख सकते हो जेनुवेरम ऑलरेडी है ये, ठीक है। एंड इसके साथ साथ हम लोग जो देखेंगे बेंड
बेंड अच्छा खासा है बेंड, बट यहाँ पे पैटेला का जो पोजीशन है पैटेला प्रॉपर वॉक नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण ये दो पार्ट निकल आ रहे हैं, क्योंकि इनका जो रेक्टस फीमोरिस मसल्स है ये वेस्टेज है एंड इसके साथ साथ वेस्टेज मीडियलिस ऑब्लिक भी वेस्टेज है। तो अभी देखेंगे जो इनके अंदर कितना आपका वो है ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन है एंड क्रिप्टिंग साउंड कितना है। और फर्स्ट क्लास, हाँ ये भी है, यहाँ पे सीधा करो फर्स्ट क्लास बेंड। तो मसल्स पावर को और बढ़ाना है, आप ये देख सकते हो जो रेक्टस आपका फीमोरिस मसल्स इज वेस्टिंग एंड ये वेस्टस मीडियलिस ऑब्लिक वेस्टिंग है, ठीक है। एंड इसके साथ साथ ऑलरेडी बोन में डिफॉर्मिटी है। एंड सबसे पहले और एक चीज़ देखेंगे जो फुट का जो मसल्स है, फुट का मसल्स भी उतना अच्छा नहीं है क्योंकि ऑलरेडी पैर स्वेलिंग है, सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं जा रहा है एंड इसके साथ साथ जो फुट का पॉस्चर भी चेंज हो गया। तो फुट पॉस्चर आपको नी का इफेक्ट हो सकता है, इसके साथ साथ उनका बैक का हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इनका कमर का कंडीशन कैसा है, क्योंकि घुटने को नेक भी कंट्रोल करते हैं एंड अगर बैक है जो उनका लंबर या आपका जो पेल्विस साइज या अगर प्रॉब्लम है तो उसमें भी प्रॉब्लम अरेज कर सकते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं जो उनका बैक का कंडीशन क्या है एंड फिर उल्टा भी हम लोग देखेंगे जो उसका मूवमेंट कैसा है, ओके। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि इनका ऑलरेडी टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी हो चुका है तो उसके बाद में भी घुटने का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑस्टियोपैथी मेडिसिन तो हम लोग जो देखते हैं अगर वो यूट्रस निकल गया तो वो वैकेंट एरिया है, तो ऊपर का जो आपका जैसे स्टमक है लीवर है तो वो भी कोशिश करते हैं नीचे की तरफ पुल करने का टूवर्ड्स ग्रेविटी पुल करने का। तो सबसे ये भी अफेक्ट हो रहा है घुटने का, अभी ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम लोग घुटने का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टमक को हम लोग एडजस्ट कर देंगे, स्टमक थोड़ा सा डिसफंक्शन है एंड थोड़ा सा उसमें टाइटनेस है ऑलरेडी स्टमक में, ओके ये नहीं बेंड करो बस नीचे छोड़ो सांस छोड़िए, स्टमक देखो नीचे आ गया ऑलरेडी, ठीक है। तो स्टमक को हम लोग एडजस्ट करेंगे, निश्वास छाड़ू सांस छोड़िए सांस छोड़िए सांस छोड़िए सांस छोड़िए, होल्ड नॉर्मल ब्रीदिंग होल्ड, जस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। तो हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे विजुअल ऑस्टियोपैथी किए फॉर स्टमक एंड थोड़ा सा डायफ्राम को रिलीज कर देंगे, जस्ट डायफ्राम को रिलीज करेंगे चेंजेस आएगा घुटने में, घुटने का दर्द में ऑलरेडी चेंजेस आएगा, ठीक है। और फिर नीक को जस्ट हम लोग हम लोग चेक कर देंगे, हम लोग देख रहे हैं जो स्टर्नोक्लेरोमास्टॉइड जो है ये ऑलरेडी टाइट है, नीक को शॉर्ट कर दिया एंड जो इनका जो नीक का ट्रैपेजियस अपर फाइबर्स एंड स्केलिनाई ये बहुत टाइट है, ये भी आपका इफेक्ट करते हैं घुटने में। तो सबसे पहले हम लोग C2 को एडजस्ट कर लेंगे, C2 को देख लिए, निशा छानो सांस छोड़िए फर्स्ट क्लास, हाँ कुछ नहीं करेंगे हल्का सा करेंगे, डरना नहीं है नॉर्मल रहो, ये मसल्स पूरा हमको ठीक करना पड़ेगा फर्स्ट क्लास, गुड वाओ गुड, ठीक है सांस छोड़ दीजिए फर्स्ट क्लास, मुंह खोलो बंद करो, हाँ तो ये TMG जो है TMG डिसफंक्शन है ऑलरेडी विच इज इफेक्ट ऑन योर नीज, ओके। तो अभी जो देख रहे हैं इनका TMG जो होता है जो ये टेम्परमेंट वाला जॉइंट्स है ये जॉइंट्स में भी प्रॉब्लम है, दैट्स वाई क्या होता है आपका घुटने तक इफेक्ट होता है, ठीक है, क्योंकि अंदर से फेशिया जो होता है अंदर से कनेक्टिविटी है। जैसे ले पर्सन को समझने के लिए हम लोग जो लेते हैं जो नींबू लेते हैं ना संतरा जो लेते हैं, हाँ ये संतरा जो होता है ये संतरा देखेंगे बाहर से एकदम अंदर तक उसका तो वाइट आप देखते हो फिंग देते हो दैट्स कॉल्ड विज का फेशिया, तो ये फेशिया एकदम अंदर तक जाता है, तो ये फेशिया अंदर तक घुटने तक आपका कनेक्टेड है, ठीक है। तो उसको हम लोग एडजस्ट करेंगे, पहले मुंह खोलिए बंद कीजिए पूरा खोलिए साइड से एकदम फर्स्ट छोड़ दीजिए फर्स्ट क्लास, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करेंगे इसको हम लोग ऑलरेडी ऐसे एडजस्ट कर दिए, तो जिसमें क्या होगा अभी देखेंगे चल के थोड़ा सा फ्री लगेगा। तो ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं इंटरनेशनल एविडेंस बेस्ड हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, ओके। तो ऑलरेडी हम लोग ट्रीटमेंट्स किए, इसके बाद नॉर्मल Day 1 है, जस्ट इन बोल किसी का डर लगता है क्या होगा नहीं होगा कौन सा ट्रीटमेंट होगा,
तो एक पेशेंट हम लोग फीडबैक ले सकते हैं जो कैसा है। तो ये विंग वाली पेशेंट है, दैट्स व्हाई ये एक्सप्लेन करते हैं विंग वाली में। अपना नाम टेक्ट बोलो। माधुरी दास सर। माधुरी दास सर, कितने के एशन? আমি এসেছি আরামবাগ থেকে, কিন্তু থাকি মুর্শিদাবাদে। আচ্ছা, ট্রিটমেন্ট করার পর কেমন লাগছে হাঁটুটা? আমার তো প্রথমেতে খুব একটা মনে ভয় লাগছিল, কিন্তু পরে যখন ওনার সাথে কথা বলতে বা ইয়ে করতে মনটা একটু ফ্রি মতো লাগছে। তারপর যখন উনি আমাকে ট্রিটমেন্ট শুরু করলেন তখন বেশ ভালো লাগছে, হাঁটাটা একটু ফ্রি হলো। হ্যাঁ, আমি একটু বাথরুমে গিয়েছিলাম, হেঁটে আসলাম, হেঁটে গেলাম, আগের মতো আর লাঠি ধরে যেতে হচ্ছে না। तो हमने जो हम लोग जो केयर करते हैं यहाँ आने के बाद आफ्टर ट्रीटमेंट्स आपका जो स्टिक है वो हट जाता है, ठीक है। तो जो लोग आपको डिफरेंट टाइप ऑफ आपका जैसे नी ब्रेस वगैरह यूज़ करते हैं कुछ भी नहीं लगता, तो आफ्टर जब ट्रीटमेंट हम लोग कम्प्लीट करेंगे डोज वो कम्प्लीट करने के बाद पूरा परमानेंटली ठीक हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। ऑलरेडी हम लोग देखे एक इंटरनेशनल का एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट कैसा होता है, इसमें हम लोग ऑस्टियोपैथी, किरोप्रैक्टिक अलाइनमेंट, एडवांस फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट, सो मेनी 8 to 90 ट्रीटमेंट्स हम लोग इसमें इंक्लूड किया है जो एक के बाद ये चलेगा। ये जस्ट डे वन का एक इंट्रोडक्टरी सेशन है जो कैसे हम लोग किए, तो इसके बाद हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट हम लोगों को दिखाते रहेंगे। एंड बहुत हर कोई क्वेश्चन करता है कैसा ट्रीटमेंट है, हर दिन आना पड़ता है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। डिपेंड करता है आपका ग्रेड कितना है एंड उसी हिसाब से फर्स्ट 3 मंथ आपको वंस इन अ वीक आना पड़ता है। तो उसके बाद हम लोग जैसे आपका प्रोग्रेस होगा एक्सरे में और फंक्शनल आपका चेंज होगा तो उसी के हिसाब से हम लोग बोलते हैं 10 डेज छोड़ के आओ या 15 डेज आओ, आपका 1 मंथ में आओ, 3 महीना में आओ, ऐसा करके आपका टाइमिंग लगता है। तो आप नॉर्मली आप अगर देखेंगे 6 to 7 आपका मंथ लगता है, मे बी किसी किसी का 9 से 12 मंथ भी लग सकता है, 1 या 2 लग सकता है। बट उसके बाद क्या कर सकते हो, आप स्टेयर्स क्लाइंबिंग कर सकते हो, नीचे बैठ सकते हो, ऊपर हर मूवमेंट्स कर सकते हो एंड आपका सर्जरी अवॉइड कर सकते हो। सर्जरी के लिए आपको आगे के लिए दरकार नहीं है, ठीक है। तो ऐसा बहुत खूबसूरत खूबसूरत वीडियो देखने के लिए ऑब्वियसली लाइक करो, शेयर करो एंड इसको कमेंट ना करना भूले। जो लोग चाहते हैं, जो मेरे से डायरेक्ट संपर्क करना चाहते हैं फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया इन वर्ल्ड, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी 7980551069। आप लोग बात कर सकते हो मेरे बाद में, आप लोग मेल कभी दिया हुआ है तो देख सकते हो, मेल भी कर सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, थैंक यू वेरी मच।